क्या लगातार स्वप्न दोष से शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर ग्रोवर। हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। पहली बात क्या है कि जो स्वप्न दोष है वो बिल्कुल सामान्य प्रोसेस है, सामान्य प्रक्रिया है बॉडी की। स्वप्न दोष से कोई समस्या नहीं होती है। यदि किसी पर्सन को महीने के अंदर 4 बार स्वप्न दोष हो रहा है, 5 बार स्वप्न दोष हो रहा है, 6 बार हो रहा है, तो ये नॉर्मल है। एक्चुअली क्या होता है कि बॉडी लगातार जो हमारी टेस्टिस है या जो सीमेन का निर्माण करते हैं वो लगातार सीमेन का प्रोडक्शन करते रहते हैं और वो सेमिनल वेसिकल में इकट्ठा होता रहता है। यदि कोई पर्सन उसको मस्टर्बेशन करके नहीं निकालता या किसी से रिलेशन उसकी अनमेरिड है तो उसका किसी से संबंध नहीं बन रहा, तो उस केस में वो सीमेन को डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, उस कंडीशन के अंदर चांस ये है कि उसके अंदर नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बॉडी उसको बाहर निकाले, मतलब स्वप्न दोष के द्वारा उसको बॉडी बाहर निकालती है। जैसे कोई गड्ढा है वो भर जाता है, उसमें पानी डालते रहोगे तो क्या होगा, वो बाहर निकलेगा, नॉर्मल चीज है ये। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वप्न दोष बिल्कुल सामान्य है। तो यदि वो सामान्य है तो उससे शीघ्र पतन की होने का तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं, किसी पर्सन को लगातार स्वप्न दोष होता है, दिन में 2 बार स्वप्न दोष होता है, स्वप्न दोष के बाद उसको जलन होती है या यूरिन में उसको बर्निंग सेंसेशन होती है, सीमेन होता है तो उसको जलन होती है, या यूरिन में कई बार जलन होने लग जाती है, या उसकी इचिंग होती है उस पार्ट्स के अंदर, तो हो सकता है कि उसके अंदर इन्फेक्शन कारणों से ही प्रॉब्लम आ रही हो। ऐसे पर्सन में यदि उसके सीमेन में कोई इन्फेक्शन है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन है, तो उस केस के अंदर चांस है कि उसको इन्फेक्शन के कारण ही शीघ्र पतन हो सकता है। अगर उसका लगता है कि उसका जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि उसके अंदर शीघ्र पतन की जो प्रॉब्लम है वो ड्यू टू सीमेन के अंदर इन्फेक्शन कारणों से आई है, ना कि उसके अंदर स्वप्न दोष के कारण। तो इसलिए हमें कन्फ्यूज नहीं होना, दिमाग ज़्यादा मानो भ्रमित नहीं होना। हाँ, यदि आप ऐसा कोई प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो कि आपको लगातार नाइट फॉल हो रहा है, दिन में 2 बार हो रहा है, जलन हो रही है या बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से डायग्नोस करवा लेना चाहिए, अपनी बीमारी का पता लगाना चाहिए। और यदि ऐसी समस्या है तो वो दूर हो जाती है, उसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।